मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर 17 नवंबर को हुई वोटिंग के नतीजे तो 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल्स के नतीजों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के आधे एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, तो वहीं आधे एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर की संभावना जताई गई है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों के बीच अच्छे खासे गैप का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 और कांग्रेस को 74 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 95 से 115 और कांग्रेस को 105 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। जन की बात के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 100 से 123 और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान बताया। वहीं आज तक के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 162 तो कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि जानकारों का कहना है जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो मानते हैं कि ये एग्जिट पोल में कांग्रेस के पिछड़ने की बड़ी वजह बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का काम है। पहले तो मैं ये मान के चलता हूं कि जब तक परिणाम नहीं आए तब तक ये नहीं माना जा सकता कि कौन सी पार्टी कितनी आगे जा रही है या कितनी सीटें ले रही है। अगर इसको मान भी लिया जाए तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस जो पिछड़ती दिखती है उसके पीछे कहीं ना कहीं दो बड़े कारण। एक तो सेंट्रल लीडरशिप ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर या कलेक्टिव लीडरशिप का, यानी कि स्टेट लीडरशिप जिसमें शिवराज सिंह चौहान, दूसरा सेंट्रल लीडरशिप यानी कि स्टेट के जो किए गए काम और सेंटर के किए गए काम के आधार पर पब्लिक में गए, या यूं भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें अराउंड 21% ट्राइबल वोटर्स हैं। ऐसे में इन वोट को दोबारा, यानी 2018 में जो उससे खिसक गए थे उनको दोबारा वापस लाने में दोनों ही, यानी शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी सक्सेस हुए हैं। लेकिन एक चीज जरूर है जिससे कभी नकारा नहीं जा सकता, जैसा कि यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की अपेक्षा बहुत पीछे है, लेकिन इतनी आगे क्यों आई, उसके पीछे कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का वो आइडिया जिसमें उन्होंने महिलाओं को जो आगे लाए, यानी कि लाडली बहना योजना, उसने कहीं ना कहीं इंटरनली बड़ा काम किया। जो ओपिनियन पोल्स आए उसमें शायद वो चीज सामने नहीं दिख पाई, और हो सकता है कि ये बड़ा अंदर अंदर काम करके लाडली बहना योजना ने शिवराज सिंह के लिए एक बड़ा उपहार दिया, जैसा कि उनको मामा माना जाता है या वो अपनी बहनों का भैया के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं इस स्टेट में। इसलिए अगर जीत है तो बेसिकली शिवराज सिंह चौहान की उसी छवि या महिलाओं के लिए उन्होंने जो स्टेप 2005 से लेकर लगातार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उठाए हैं उनका एक बड़ा कारण। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर है, लेकिन लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के आ जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया। आपको बता दें मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते ये सरकार महज 1.5 साल के अंदर गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायक भी चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के नेता यही कहते हुए मैदान में गए थे कि बीजेपी ने जनमत का अपमान कर धोखे से सरकार बनाई।